आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक पास्ता रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए ले चलते हैं जल्दी से अपनी किचन की ओर। फ्रेंड्स, तो हम अपने किचन में आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपना गैस ऑन कर लेते हैं, उसके ऊपर एक पतीला बिठा लेते हैं और इस पतीले में हमें पानी डालना है और पानी गर्म होने देना है। पानी हमारा गर्म हो जाएगा थोड़ा, तब हमें उसमें ऐड करना है अपना पास्ता। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना पास्ता फटाफट से डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर डाल लिया अपना पास्ता फ्रेंड्स, और हमें इसे थोड़ा सा चला देना है ताकि एक चिपके ना, बैठ ना जाए। अब जब तक हमारा पास्ता उबल रहा है तब तक हम अपने मसाले देखते हैं। हमें एक टमाटर लेना है, दो प्याज लेना है और तीन हरी मिर्च ले लेना है। इसे हमें काट लेना है। मैंने यहाँ पे अपना टमाटर और प्याज काट लिया है, हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा पास्ता हुआ या नहीं। हमारा पास्ता उबल के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब चलिए हम गैस को ऑफ करते हैं और पानी और पास्ता दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना पास्ता निकाल ले रही हूँ और उसके बाद हम बैठाएंगे अपना कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने देंगे, फिर उसमें हम अपना सरसों तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, अब इसे गर्म होने देते हैं। अब उसके बाद हम इसमें अपना फ़ौरन का तैयारी करेंगे। तो आधा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा हमारा फूल के ऊपर आ रहा है फ्रेंड्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दो सूखी लाल मिर्च। यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च भी डाल लिया है। ये भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। अब हम इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमें हमेशा की तरह प्याज को अच्छे से गलाने के लिए इसमें नमक ऐड करना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि प्याज हमारा बिल्कुल गल जाए, अलग से पता ना चले। अब हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। हमें लेना आधा चम्मच धनिया पाउडर, फिर उसमें हमें ऐड करना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी है हमारे कटे हुए टमाटर ऐड करने का। अब हम इसे भी डाल देंगे, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। हमें इसे कुछ इस तरह से चलाना है ताकि हमारे टमाटर प्याज बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम अपने डालेंगे मसाले और फिर इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम गर्म मसाला। ये हमारा गर्म मसाला भी ऐड हो चुका है और जो हमने वो हल्दी धनिया और लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अब इन सबको हमें अच्छी तरीके से चला लेना है, मिला लेना है, फिर अच्छे से इसका गोल्डन कलर आने देना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपना पास्ता। अब हमें अपने पास्ते को अच्छे तरीके से चला लेना है, सारे कुछ इस तरह से चलाना है कि हमारा सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, हमने नमक अपना शुरू में ही डाल लिया था, इसलिए हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शुरू में नहीं डाले थे तो आप अभी ऐड कर सकते हैं अपना नमक। अगर आपने डाल दिया है उसी टाइम प्याज गलाते वक्त ही, तो आप उसे छोड़ दें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा नमक। अब हमारा पास्ता तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।